नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। किसान के बेटे का भारतीय सेना में चयन होने के बाद 7 माह अग्निवीर की ट्रेनिंग लेकर लौटे गांव कुम्हारिया बनवीर के बंटी सिंह पिता जितेंद्र सिंह सेंधव का स्वागत किया गया। समाजजनों व क्षेत्रवासियों ने सैनिक बंटी का बेरा खेड़ी फाटा से गृहग्राम तक ढोल व डीजे के से जुलूस निकाला। खुली जीप में सवार सैनिक का लोगों ने पुष्पहार व तिलक लगाकर स्वागत किया। जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह सेंधव, पूर्व मंडल महामंत्री बबलू ठाकुर, सरपंच छोटू लाल जाधव, जिला पंचायत सदस्य महेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह ठाकुर, उप सरपंच वीरेंद्र सिंधव, नरेंद्र सुरजना, राजेंद्र सेठ, लोकेंद्र सेंधव, मनोहर सिंह सेंधव, नरेंद्र सिंह सेंधव, सुरेंद्र सिंह समेत समस्त ग्रामीण मौजूद रहे। धीरज सिंह सेंधव, ग्राम कुम्हारिया बनवीर, और आज हमारे गांव के बेटे जो बंटी सेंधव, इस लाडले बेटे ने जो कार्य किया है इसके लिए पूरा गांव सराहनीय है। और इसके जो पिताजी है जितेंद्र सिंह जी सेंधव, उनका लक्ष्य था कि मेरा बेटा आर्मी में जाए और आज उनके बेटे ने यह कर दिखाया है। इस चीज़ के लिए इनके पिताजी कृषक हैं और उनने अपनी कृषि की मेहनत करते हुए और उनके बेटे की इच्छा को पूर्ण करवाया है और बेटे का लक्ष्य बना हुआ था तो बेटे ने पिताजी का जो लक्ष्य था उसको पूर्ण किया है। और आज थल सेना में आर्मी में जो इस लाडले बेटे का सिलेक्शन हुआ है इसके लिए आज इसकी ट्रेनिंग पूर्ण होके यह वापस अपने गृह गांव कुम्हारिया बनवीर, तहसील सोनकच, जिला देवास में आया है। तो सोनकच से लेकर कुम्हारिया बनवीर तक सभी गांवों में सभी आसपास क्षेत्रवासी जो जनता है उन्होंने दिल से इसका स्वागत किया है, हार फूल के साथ स्वागत किया है, ढोल ढमाके के साथ और पूर्ण गाजे बाजे के साथ सारी जो जनता है वह इसे स्वागत के रूप में अपने गृह गाँव पर लेके आए हैं। और यहाँ पर इनके पिताजी ने एक बहुत अच्छा आयोजन रखा है, संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन शाम को रखा है, भोजन प्रसादी भी रखी सभी लोगों के लिए और आज पूरा गांव खुशी के माहौल में लव लीन है बिल्कुल कि जो इस बेटे ने बंटी सेंधव, पिता जितेंद्र सिंह सेंधव ने जो ये कार्य करके दिखाया है। इसके निवासी कुमारिया बनवीर, मेरे पिताजी किसान है और मेरा बचपन से ही लक्ष्य था कि मैं आर्मी में सेवा दूँ और उसका मुझे मौका मिला और इसी के चलते मेरा स्वागत किया गया। मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।